हरियाणा के नतीजे आने से पहले दिल्ली पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। सीएम सैनी ने फिर बहुमत मिलने का दावा किया, बोले हमारे पास सरकार बनाने की सारी व्यवस्था। बीजेपी को लेकर बोले संजय राउत, कहा बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हार रही, महाराष्ट्र और झारखंड भी हारेंगे, ये पोस्टल बैलेट घोटाला कर सकते हैं, सतर्क रहने की जरूरत। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना कल, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मतगणना से पहले पुख्ता बंदोबस्त, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के बाहर के 100 मीटर के दायरे को नो पेडेस्ट्रियन जोन करार दिया, किसी भी यातायात की इजाजत नहीं होगी। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू परिवार को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को दी जमानत। कोर्ट ने लालू, तेजस्वी समेत 9 आरोपियों को जमानत दी, 1 लाख रुपए के निजी मुशुल्के पर जमानत मिली। 25 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा, बोले वोट बैंक के लालच में सोरेन सरकार घुसपैठ करवा रही है, सरकार आने वाले पर NRC लागू करेंगे और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले झारखंड का विधानसभा चुनाव रोटी बेटी और माटी की रक्षा का चुनाव होगा, इनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की, सीएम मोहन यादव, एकनाथ शिंदे, विष्णुदेव साय मौजूद। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राज्य में सफल नक्सल ऑपरेशन को लेकर सीएम को बधाई देंगे पीएम। मीटिंग में पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की जानकारी देंगे सीएम साय, आगामी योजनाओं को लेकर भी करेंगे चर्चा, शाम 6 बजे पीएम से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के एक प्रोग्राम में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह जिसका बाजार से तालमेल नहीं। भारत दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिर्जू, राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मिर्जू राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल करने की नहीं मिली जगह, लद्दाख हाउस में ही शुरू होगी हड़ताल। सोनम वांगचुक ने अनदेखी का लगाया आरोप, कहा देश के शीर्ष नेताओं से मिलाने का दिया गया था आश्वासन लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हिमाचल सीएम सुक्खू, किया औचक निरीक्षण, डॉक्टर से भी बातचीत की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक की, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट पर भी की चर्चा। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, स्कूल और कॉलेज के छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को भी असम सरकार हर महीने 2,500 रुपए देगी, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। MP के जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन से कैलारस से के लिए मेमू ट्रेन की शुरुआत, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने दिखाई हरी झंडी। बंगाल के कुलटाली में बच्ची से रेप और हत्या का मामला, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग की। मृत बच्ची के परिजन से मिला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का डेलीगेशन, उचित कार्रवाई का दिया भरोसा। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार बोले पुलिस ने घटना पर सही एक्शन लिया होता तो हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुलटाली की घटना पर बोली सीएम ममता, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो, 3 महीने के भीतर दोषी को फांसी की सजा मिले। सीएम ममता का बयान, रेप की घटनाओं का मीडिया ट्रायल ना हो इससे जांच प्रभावित हो सकती है।